किताब लेने आया हूँ तो ड्राइवर की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर की किताब, लेकिन पूरी मार्केट में घूम लिया, कोई किताब नहीं मिली, सिर्फ एक किताब मिली है। तो वो किताब मैं लेके आ रहा हूँ, उससे कुछ आपको आइडिया होगा मोटा मोटा। जब वैकेंसी जाएंगी तब उसके ऊपर किताब लाएंगे तो मैं मोटा मोटा उसका आइडिया हो जाएगा तुम्हें। तो एक किताब है, एक किताब मिली है जो न्यू एडिशन की है, तो वो किताब लेते हैं, उससे आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। और बाकी जैसे भी कोई नई किताब आएगी यहाँ पर तो मैं आपको लाके और उसकी पीडीएफ भेज दूंगा या फिर आपको बता दूंगा। भाई यहाँ पे सिर्फ ये एक किताब मिली है जो न्यू एडिशन है, पूरी मार्केट में घूम लिया, कोई भी अभी ड्राइवर की बुक नहीं आई है फिलहाल हाल ही में, जैसे ही कोई आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। अभी इस दुकान में हूँ और यहाँ पे ये एक किताब मिली है, पूरा देख सकते हो, आर के गुप्ता, आर गुप्ता कृत की जो किताब है ड्राइवर की, इसमें कुछ बताऊँगा, बाकी मैं आपको चल के पूरा रूम पर बताता हूँ। अभी मैं इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से और फिर आगे मैं चल के आपको पूरा बताता हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मैं लगभग एक घंटे पहले लाइव आया था, इसलिए तब मैंने बताया था कि मैं ड्राइवर की वैकेंसीज के ऊपर पूरी अपडेट लेके आऊंगा। आपने बोला था कि बुक चाहिए हमें, बुक हमें नहीं मिल रही है, तो उसका सोल्यूशन में मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। अभी मैंने आपको बोला था कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो पूरा पूरा वीडियो को देखना किस प्रकार से क्या क्या कुछ होने वाला है ड्राइवर की भर्ती में, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या एज क्राइटेरिया है, पूरा मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पूरी ड्राइवर के ऊपर ए टू जेड पॉइंट टू पॉइंट सारे डिस्कस करूंगा। जिसको भी ड्राइवर की भर्ती के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, पूरी नॉलेज इस वीडियो में आप प्राप्त कर सकते हो। आपको पूरी ए टू जेड सारी जानकारी दी जाएगी, सिलेबस से लेके एज क्राइटेरिया तक, ठीक है, और बुक वगैरह की सारी बता दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है कि सर भर्ती कब तक आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन ही है कि ड्राइवर की भर्ती कब तक आएगी, ये सबसे पहला है कि आपकी भर्ती कब तक आएगी, भर्ती कब तक आएगी दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब दूंगा कि भर्ती कब तक आने की संभावना है, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता। कुछ 1200 कितने पदों पे आएगी दोस्तों, कुछ 1245 पदों पे भर्ती आनी है आपकी, 1245 है, 43 है, कुछ ऐसे करके पद है उसके ऊपर भर्ती आनी है दोस्तों। ये भर्ती कब तक आने की संभावना है, मतलब इसका नोटिफिकेशन ऑनलाइन कब होने की संभावना है, देखिए दोस्तों एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जब तक जहां तक चांसेस हैं, इस साल के 2021 के एंड तक, 2021 के अंत तक दोस्तों ये आपकी भर्ती आ जानी चाहिए, पूरी पूरी संभावना है 2021 के अंत तक ये इन पदों पर आपकी भर्ती आ जाएगी, ड्राइवर की भर्ती। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या चाहिए, इसमें क्या क्या चाहिए, इसमें लाइसेंस कौन सा चाहिए दोस्तों, इसमें हैवी लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, ये पहले ही चाहिए होगा आपका, ऐसा नहीं कि कांस्टेबल के वक्त, कांस्टेबल में जैसे बाद में चाहिए था वैसे नहीं, शायद इसमें ये पहले ही चाहिए होगा आपका, इसमें फॉर्म में आपका जो लगेगा हैवी लाइसेंस चाहिए आपका, क्या चाहिए, हैवी लाइसेंस। अब ये बात करते हैं लेडी गर्ल्स के लिए भी है क्या, नहीं ये खाली बॉयज के लिए है। अब बात करते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया की, एज क्या क्या है इसमें, एज में बताता हूं दोस्तों एज किस में कितनी है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों यूआर कैटेगरी की, फिर करता हूं मैं ओबीसी की बात करता हूं, फिर मैं करता हूं एससी और एसटी की, कितनी कितनी एज चाहिए होगी। सबसे पहले मिनिमम एज आपकी है जो 21 होनी चाहिए, 21 से लेके 30 साल तक इसमें एज चलेगी, मिनिमम आपकी 21 साल एज होनी चाहिए, 18 19 थोड़ा नहीं भर सकता, मिनिमम 21 साल एज होनी चाहिए। अब बात करते हैं यूआर कैटेगरी की कितनी चाहिए होगी, दोस्तों यूआर कैटेगरी की आप 30 साल तक भर सकते हो, अगर आप 30 साल तक हो तो फॉर्म भर सकते हो। अब बात करना है दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी में कितने साल की छूट मिलेगी आपको, 3 साल की छूट मिलेगी दोस्तों, तो आप कितने साल तक भर सकते हो, 33 साल तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं एससी एसटी की, तो दोस्तों इसमें 5 साल की छूट मिलेगी, कितने साल की, 5 साल की छूट मिलेगी एससी और एसटी में, और ओबीसी में आपको मिलेगी 3 साल की छूट। तो देखिए दोस्तों ये एज क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपका सवाल था कि सर एज क्राइटेरिया क्या होगा, कितने वैकेंसी आएगी, भर्ती कब तक आएगी, ये 3 सवालों का जवाब मैं दे चुका हूं। अब आगे सब ठीक है भाई, भर्ती भी आ जाए, कितने पदों पे भी आ जाए, कितनी एज भी है, अब आपका सवाल उठता है कि सर पेपर में आएगा क्या, ये तो पता होना चाहिए हमें, ठीक है, पेपर में आएगा क्या ये तो हमें पता होना चाहिए। अब मैं उसी की बात करूंगा दोस्तों कि पेपर में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, और भी कुछ
सवाल थे मेरे सामने, मैं उन सवालों का भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं, अगर आप जुड़ रहे हो तो अंत तक जुड़े रहना जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच भी हमारे साथ अंत तक जुड़ा रहा था और हमने उनकी पूरा पढ़ाई से लेके फिजिकल तक ही फिजिकल भी क्लियर करवाया है। तो दोस्तों पूरा अंत तक जुड़े रहोगे तो मजा भी आएगा, ठीक है, हम आपके एक परिवार की तरह हो जाएंगे जब तक साथ जुड़े रहोगे। मैं आप काफी दिन से पूछ रहे काफी लड़के की भाई ड्राइवर की भर्ती कब तक आएगी, तो तीन पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। बात करता हूँ चौथा पॉइंट, देखिए दोस्तों सिर्फ तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए गया था मार्केट में, अपने भाइयों की हेल्प करने के लिए, अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए, ड्राइवर के लिए किताब नहीं मिल रही पूरी मार्केट में, मुखर्जी नगर में देखा है कुछ, आज 15 अगस्त होने के कारण दुकानें बंद थी, 4-5 दुकानें खुली थी। मैं किसी किताब को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, मैंने बता भी दिया लेकिन फिर भी मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी किताब का, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें सिलेबस क्या क्या होगा, सिलेबस क्या क्या होगा, मैं आपको कोई भी किताब रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके बिल्कुल साथ है, पसीने आ रहे क्योंकि पंखा बंद कर रखा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि सिलेबस क्या क्या और क्या क्या सिलेबस आने वाला, कितने नंबर का पेपर होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ, देखिए दोस्तों द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट वन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन, मतलब आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम कितने नंबर का होगा दोस्तों, एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे, मार्क्स कितने आएंगे 100 नंबर के, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के आएंगे, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर। बाकी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चलेगा कि नेगेटिव है या नहीं, लेकिन अभी तक नो नेगेटिव मार्किंग, याद रखना इस बात को। टाइम कितना मिलेगा दोस्तों आपको, टाइम मिलेगा पूरा 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा आपको टाइम मिलने वाला है इस एग्जाम का। अब बात आती है कि सर एग्जाम में आएगा क्या, ये तो पता होना चाहिए हमें, यही नहीं पता कि आएगा क्या, तैयारी किस हिसाब से करें। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पार्ट ए में क्या क्या आने वाला है। दोस्तों पार्ट ए में आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस आपकी आएगी, ये दोस्तों कितने क्वेश्चन आएंगे, ये मैं बात करता हूं क्वेश्चन, ये मार्क्स दोस्तों कितने क्वेश्चन आएंगे, ये आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और 20 ही नंबर के आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। अब मैं बात करता हूं पार्ट बी जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, पार्ट बी जनरल इंटेलिजेंस दोस्तों, इसके भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के आएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। अगली तीसरी बात करता हूं क्या आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या आएगा, पार्ट सी न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी का टेस्ट होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे दोस्तों, 10 ही नंबर के क्वेश्चन आने वाले और 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में 50 नंबर हो गए, कितने हो गए, 20, 20, 40, 10, 50 टोटल हो गया 50। अब 50 नंबर का क्या आने वाला है वो बात कान खोल के सुन लो दोस्तों, मैं लिखूंगा नहीं पार्ट डी में, आपको बता देता हूं बोल के, लिखूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसमें क्या आने वाले दोस्तों, सबसे पहले आने वाले इसमें क्या कहेंगे, रोड साइंस आएंगे, इसमें व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में आएगा, इसमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में आएगा, इसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में आएगा, पेट्रोल के बारे में आएगा, डीजल के बारे में आएगा, सीएनजी के बारे में आएगा, ऑपरेटिंग के बारे में, मतलब गाड़ी में होता क्या सिस्टम सारा गाड़ी के बारे में आएगा, गाड़ी के बारे में भाई रोड क्रॉस कर रहे हैं तो कौन से लाइट का क्या मतलब है, इंजन में खराबी होगी और रेडिएटर में दिक्कत आ गई, टायर में दिक्कत आ गई, इंजन में दिक्कत आ गई, सीएनजी में कौन सी चलेगी, सीएनजी से फायदा है, पोल्यूशन कौन सी ज्यादा करती, सारे क्वेश्चन ये जो आपकी गाड़ी से रिलेटेड आएंगे, जो व्हीकल रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपका, ठीक है, ये सारे रोड साइंस वगैरह आएंगे इसमें, ठीक है, रोड साइंस में मैं सारी चीजें इंक्लूड कर रहा हूं जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो ये सारा आपका सिलेबस है, 20-20 नंबर के ये आएंगे, 10 के ये न्यूमेरिकल एबिलिटी, 50 के रोड साइंस, मगर कुल मिला के 100 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के। अब देखिए दोस्तों ये किस पद पे भर्ती है, ये आपकी भर्ती है दोस्तों सिपाही के पद पे, किस पे, कॉन्स्टेबल ड्राइवर, ड्राइवर कॉन्स्टेबल, समझ गए होगे। अब क्वेश्चन आता है तुम्हारा, क्या सर हम पूरी जिंदगी कॉन्स्टेबल ही रहेंगे, क्या हम कॉन्स्टेबल ही रहेंगे पूरी जिंदगी, नहीं आप कॉन्स्टेबल नहीं रहोगे पूरी जिंदगी, आपका भी प्रमोशन होगा, आप कॉन्स्टेबल हो, कॉन्स्टेबल से आप हेड कॉन्स्टेबल भी बनोगे, ठीक है,
पूरी बात सुनना, हेड कांस्टेबल से आप एएसआई भी बनोगे, एएसआई से आप एसआई भी बनोगे और एसआई से आप इंस्पेक्टर भी बनोगे, ठीक है। आप सब कुछ आपका प्रमोशन ऐसा ही होगा जैसे एक एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल का होता है, एक नॉर्मल कांस्टेबल का होता है, ठीक है। कांस्टेबल बनोगे आप, प्रमोशन होगा आपका, हेड कांस्टेबल बनोगे फिर प्रमोशन होगा, फिर एएसआई बन जाओगे, फिर एसआई बन जाओगे, फिर इंस्पेक्टर भी बन जाओगे। अब बात करते हैं क्या सर हम कांस्टेबल हो गए हेड कांस्टेबल बनेंगे तो क्या हम फील्ड में काम कर सकते हैं? नहीं, आप थाने में सिर्फ आपका काम रहेगा गाड़ी चलाना। आप हेड कांस्टेबल रहोगे तो भी गाड़ी चलाओगे, एएसआई रहोगे तो भी गाड़ी चलाओगे। गाड़ी चलाने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं आप गाड़ी ही चलाओ, आप किसी भी मतलब गाड़ी से रिलेटेड संबंधित आपका काम होगा, आपका एमटी में हो सकता है, ठीक है, जहां पे गाड़ियां ठीक करते हैं आप वहां के आईसी हो सकते हो, आप इंचार्ज हो सकते हो, आपके अंडर और होंगे, ठीक है। तो यही काम होगा आपका, जहां मतलब गाड़ी गाड़ी से रिलेटेड कोई काम होगा आपको वहां पे अपॉइंट किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप गाड़ी ही चलाओगे, नहीं, आप इंस्पेक्टर होगे तो गाड़ी थोड़ी चलाओगे, आप किसी इंचार्ज के, किसी यूनिट के इंचार्ज बन जाओगे, किसी एमटी सेक्शन के, किसी और सेक्शन के आप इंचार्ज बन जाओगे, आप एसआई हो तो भी इंचार्ज बन जाओगे, एएसआई हो तो भी बन सकते हो, हेड कांस्टेबल है तो भी बन सकते हो। लेकिन कांस्टेबल होगे तो आप सिर्फ आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी या फिर एमटी सेक्शन में किसी का गाड़ी के सेक्शन में आपको वहां काम करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों नौकरी कैसी है। सबसे बड़ी सवाल ये आता है कि नौकरी कैसी है, कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़िया नौकरी है, बिल्कुल बढ़िया नौकरी है। आपको आज लगा है 15 अगस्त पे अरेंजमेंट, ठीक है, आज लगा है 15 अगस्त का अरेंजमेंट। ये है कोई भी यूनिट है, मान लो कि बटालियन है, ये बटालियन है, ठीक है, ये बटालियन है, यहां से 15 अगस्त के अरेंजमेंट। दोस्तों आप इस बटालियन में पोस्टेड हो, यहाँ पे 50 बंदों की जरूरत पड़ेगी, कहां से 15 अगस्त रेड फोर्ट पे 50 बंदों की जरूरत पड़ेगी, आपका काम क्या होगा? आपका काम होगा आपको यहाँ से 50 बंदे अपने बस में बिठाने हैं, आपको जो इंचार्ज होगा बटालियन का वो बोलेगा कि ये 50 बंदे हैं आप इस बस में बिठाओ, इनको रेड फोर्ट पे छोड़ के आओ, आपका काम सिर्फ इतना है। आपको वहां कोई नौकरी नहीं करनी, वहां आपको खड़ा नहीं होना, सिर्फ आपको बस में रहना है, अपने बस का हिसाब रखना है, आप जो बस में बैठो सो जो भी करना है, यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, आप जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आप इस बस में बैठा के इन 50 बंदों को यहाँ पे छोड़ोगे, अगर आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है तो दूसरा बंदा लेने आएगा, वरना नहीं होती है तो आप इनको, जैसे इनकी ड्यूटी 8 बजे खत्म होती है शाम को, आपको वापिस बिठाना है और इनको बटालियन में छोड़ देना है, मात्र आपका इतना काम है। समझ गए क्या काम? आपको ड्यूटी है बस चलाने की, आपको ड्यूटी है आपकी बस को संभाल के रखने की, इसके अलावा कोई ड्यूटी नहीं आपकी। आप ले जाओगे इनको, वहां छोड़ दोगे, ये वहां नौकरी करेंगे 8 घंटे ड्यूटी की, आपको वापस लेके इनको यहाँ छोड़ दोगे, ये आपकी नौकरी है। समझ में आया ड्राइवर का क्या काम है? समझ में आया ड्राइवर का कैसे प्रमोशन होता है, क्या काम होता है, क्या पेपर में आएगा, क्या कुछ खाएगा? किताब लाया हूं, पीडीएफ मिल जाएगी, कोई जल्दी मत करना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। जब भी पीडीएफ तैयार हो जाएगी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं वीडियो डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा कि इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। जल्दी मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा लो ताकि वीडियो आए तब नोटिफिकेशन मिल जाए कि देखो किताब लेके आ चुका हूं, किताब है, इसकी पीडीएफ दूंगा, किताब किसी को नहीं देने वाला, पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ मैं नहीं बनाऊंगा, किसी से बनवाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा समझ चुके होगे, पूरा मैंने समझा दिया है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हो सकती है, कोई गलती हो सकती है, मैं भगवान नहीं हूं, कोई गलती होगी माफ करना, सवाल करना, आपको बता दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है भाई, फोन मत किया करो, इन छोटी छोटी बातों के लिए सवाल मत किया करो, सर ड्राइवर की भर्ती कब आएगी, सर ये कब आएगा, सर कब आएगी, भाई 50 वीडियो में बता चुका हूं यार, ड्राइवर की भर्ती कब आ सकती है, कब कॉन्स्टेबल की आ सकती है, फिर ये सवाल बार बार में क्यों? मैं फिर डिस्टर्ब होता हूँ, सो रहा होता हूँ या रात को ड्यूटी करके आऊँ, या फिर फोन आते हैं 12-1 बजे, फिर नींद खराब हो जाए, फिर गुस्सा आता है, फिर बात नहीं करता, फिर बोलते हो सर हाउ रूड यू आर सर, फिर आपका ये जवाब होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों के लिए मत क्या करो फोन, मैं बता देता हूँ ये चीज, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालोगे तो मैं आपकी कमेंट पे वीडियो ला के पूरा बता दूंगा। परेशान मत क्या करो दोस्तों, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, आपके लिए मार्केट में भागा भागा गया हूँ दोपहर में 2 बजे, मुझे कोई शौक नहीं है दोपहर में गर्मी में जाने का, ठीक है। हालात मेरे देख सकते हो, पसीने इतनी गर्मी है, मार्केट पूरी बंद है, लेकिन फिर भी मैं गया आपके लिए।